पाप संसार मा घुसत है। आदम और वही के मेहरिया सुंदर बगीचा मा बहुत खुशी से रहत है। यह बगीचा परमेश्वर ने उनके खातिर बनावत है। वही कौनो कपड़ा न पहनते लेकिन वही शर्मात न थे, कहे से संसार मा पाप न रह। अक्सर वही बगीचा मा घूमत फिरत रहते और परमेश्वर से बात करते, लेकिन वह बगीचा में एक सांप रहत है। वह बहुत चालाक रहा। वह वही औरत से पूछिस, कहे सही माँ परमेश्वर तुझसे कहो है कि यह बगीचा के कौनो भी पेड़ के फल ना खाए। वह औरत ने जवाब दीनस, परमेश्वर हमसे कहो है कि हम वह भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का छोड़ कौनो भी पेड़ के फल का खा सकत हैं। परमेश्वर हमसे कहो है कि अगर तुम वह फल का खई हा या वही का छुई हा तो तुम मर जाई हा। वह सांप औरत का जवाब दीनेस, यह बात सच नऊ है, तुम न मरी हा। परमेश्वर जानत है कि जैसे ही तुम वह फल का खई हा तुम परमेश्वर के बराबर हो जाई हा और वही के बराबर भले और बुरे के समझ रखिया। वह औरत देखिस कि वह पेड़ का फल खाए के खातिर नीक है और देखन माँ मन भावन है, वह भी समझदार बनो चाहती, यही खातिर वह फल का तोड़ कर खा लीनेस। फिर वह अपने मड़ेव का वह फल दीनेस जौन वही के साथ रहा और वह भी खा लीनेस। एकदम ही उनकी आँखें खुल गई और उनका मालूम भा कि वही नंगे आए हैं। तुरंत हुई पत्तन का जोड़ कर उनसे कपड़ा बना कर उनसे अपने बदन का छिपावे के कोशिश करें। तब अहिन आदमी और वही के मेहरिया वह बगीचा माँ घूमत फिरत परमेश्वर के आवाज़ सुनें। वही दोनों परमेश्वर से लुक गए। तब परमेश्वर आदमी का आवाज़ लगाई, तय कहाँ है? आदम जवाब दीनेस, मैं तुम्हें बगीचा माँ घूमत फिरत सुनो हूँ और मैं डिराए गय, कहे से मैं नंगा रहूं, यही खातिर मैं लुक गयो। फिर परमेश्वर पूछिस, तुही कौन बताइस की तय नंगा हा? कहे तय वह फल का खाओ हा, काय जही खाए के खातिर मैं तुही का मना कीन तय? आदमी जवाब दीनेस, तुम जौन औरत मुहिका दीन हो वह मुहिका वह फल दीनेस। तब परमेश्वर औरत से पूछिस की तय या काय कीने? वह औरत बोली, सांप मुहिका बहकाय दीन। परमेश्वर ने सांप से कहे, तय सापित है, तय अपने पेट के बल चल है और माटी चटी है। तय और या औरत एक दूसरे से घृणा करिहा और तोरी संताने और वह की संताने भी एक दूसरे से घृणा करी है। या औरत का वंश तोरे मुड़े का कुचरी और तय वह की एड़ी का डसी है। फिर परमेश्वर औरत से कहे, मैं तोरी गर्भवती हूँ कि पीड़ा का बहुत बढ़ाए दई हूँ। तय अपने मड़ाई से लालसा करिए और वह तुही पर राज करी। परमेश्वर आदमी से कहे, तय अपनी मेहरिया के सुनो है और मोर आज्ञा नहीं मानो आही, यही खातिर जमीन सापित हुई गई और तुही भोजन उगावे के खातिर कठिन मेहनत करें के जरूरत पड़ी। अब तय मर जाइए और तोर शरीर माटी में मिल जाए। वह आदमी अपनी मेहरिया का नाम हब्बा रखे, जिसका मतलब रहा जीवन दे वाली, कहे से वह सभी जातियन के आदिमाता हुई और परमेश्वर ने आदम और हब्बा का जानवरन के चमड़ा के अंगरखे बना के पहनाइस। फिर परमेश्वर कहिस, अब भले और बुरे का जाने से आदमी हमारी बराबर हुईगा है, यही खातिर उनका वह जीवन के पेड़ के फल का नहीं खाएं देव चाही, ऐसा ना हो कि उई सदा के खातिर जिंदा रहें। यही खातिर परमेश्वर ने आदम और हब्बा का वह बगीचा से बाहर निकाल दीने। परमेश्वर ने वह बगीचा के प्रवेश द्वार पर शक्तिशाली स्वर्ग दूतन का पहरा मा लगा दीने, ताकि कौनो भी जीवन के पेड़ का फल ना खा सकें। उत्पत्ति अध्याय 3 से बाइबिल का एक कथा का।